हमीरपुर मंडल की बाइक रैली को हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का रोड मैप पक्काब्रो से शुरू होकर उखली तक गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने पार्टी के तिरंगे हाथ में उठाकर जोश का प्रदर्शन भी किया। रैली के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर सहित मंडल अध्यक्ष बलदेव धीमान सहित कई नेता अपनी गाड़ियों में रैली में भाग ले रहे थे। रैली के दौरान कई कार्यकर्ता बिना हेलमेट पहनकर बाइक चलाते भी देखे गए और ट्रैफिक के रूल का उल्लंघन होते भी देखा गया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने निर्णय लिया था कि राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हर घर तक पार्टी के कार्यकर्ता दस्तक देंगे, जिसके तहत आज पूरे देश और प्रदेश सहित हमीरपुर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों के लिए तैयार हैं और कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी देश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और आने वाले सालों में देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता एक बार फिर से भाजपा को देश की बागडोर सौंपेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि अब लगभग 2 महीने में लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के इलेक्शन की शुरुआत इस बाइक रैली से शुरू की है और जैसा उत्साह हमने नौजवानों में देखा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि एक बार फिर माननीय मोदी इस देश की बागडोर संभालेंगे, क्योंकि उनका जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है उसने भारतवर्ष ने विकास के मामले में ऊंचाइयों को छुआ है और आज आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक जो हमारी स्थिति है इस वक्त भारतवर्ष की वो 9वें नंबर से आकर अभी रैंक से भी ऊपर आ गई है और एक बार फिर अगर माननीय मोदी जी को जैसा कि हमें लग रहा है कि देश की बागडोर मिलने जा रही है, हम पहले 3 महाशक्तियों में अगले आने वाले 5 सालों में आ जाएंगे, तो आम जनता, आम युवक, भारतवर्ष का प्रत्येक वासी यही चाहता है कि एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने। उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और बाइक की जो बाइक रैली हम देख रहे हैं, एक सक्सेसफुल बाइक रैली जो हमने आज शुरू की है, निकाली है, यही बाइक रैली हर विधानसभा क्षेत्र में निकलने जा रही है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय एक बार फिर देश में भारतीय जनता पार्टी का होगा और माननीय मोदी जी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।